नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवरत्न मंडूषा। दोस्तों आज हम बात करेंगे बेरोजगारी भत्ते के बारे में, यानी मुख्यमंत्री जो युवा संबल योजना के तहत आपने बेरोजगारी भत्ते का जो फॉर्म अप्लाई किया था और आपका फॉर्म अप्रूव हो चुका है या वेरीफाइड हो चुका है, तो अब राज्य सरकार ने जो 4,000 की जो आपको किस्त मिलती है और जो 4,500 की जो किस्त मिलती है उसके लिए आपको इंटर्नशिप करना जरूरी है। तो राज्य सरकार का एक इनबॉक्स में मैसेज आ रहा है कि आप इंटर्नशिप के लिए सहमति देवे अन्यथा आपका बेरोजगारी भत्ता निरस्त हो जाएगा, आपको जो बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है तो वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये सहमति का मतलब ये हो गया है कि आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म अप्लाई किया है और वेरीफाइड हो चुका है और आपका अप्रूव नहीं हुआ है, या अप्रूव हो चुका है, आपको एक दो किस्त मिल चुकी है, तो अब आपको ऑनलाइन अनएम्प्लॉयमेंट की जो वेबसाइट होती है SSOID में, आपको वहाँ फॉर्म अप्लाई करना है। यानी आपके पास में कौन सी डिग्री है, कौन सा कोर्स कर रखा है, तो आपको वो सहमति आपको देना। तो देखिए आपको मैं बताता हूँ कि वो आपके पास में कौन सा मैसेज आए, यदि आप सहमति प्रदान नहीं करेंगे तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, आपका बेरोजगारी भत्ता वो क्लोज हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। तो देखिए जो इनबॉक्स में जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है कि प्रिय असारथी, आपने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में आवेदन किया है, यदि आदि दिनांक तक आपके द्वारा इंटर्नशिप अथवा कौशल प्रशिक्षण हेतु पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति प्रदान नहीं की गई है तो आप आगामी 7 दिवस में अपनी सहमति देवे अन्यथा आपका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा, रोजगार विभाग राजस्थान सरकार। यदि आपने 7 दिन में यदि सहमति आप प्रदान नहीं करेंगे तो आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो बंद हो जाएगा, आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो यानी आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपको वापस उसमें अपलोड करना है। यदि आपके पास RKCL का डिप्लोमा है, आपके पास PG है या UG है, जो भी आपके पास कोर्स है वो आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में ये सहमति जो पोर्टल पर जाएगी और वहाँ से आपके पास एक मैसेज आएगा कि अब आपको इंटर्नशिप के लिए आना है, और जिस जगह पर आपको इंटर्नशिप के लिए बुलाया जाएगा वहाँ का मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल में। तो आपको ये इंटर्नशिप के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। यदि आप इंटर्नशिप के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा, चाहे आपका अप्रूव हो या ना हो। यदि अप्रूव है, आपको एक दो किस्त भी मिल चुकी है, तो भी आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो आपको इंटर्नशिप के लिए जो आवेदन है वो करना है SSO की ID में। तो दोस्तों यदि आपको बेरोजगारी भत्ते से संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, और मैं हूँ आपका दोस्त नवरत्न मंडूषा। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके सामने सुरक्षित पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत।